अल्लाहुम्मा बिस्मिलहनि वसलीम अला नबीजना अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स कैसे हैं आप सब अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हमेशा हम सबको अपनी रहमत के साए में रखे आमीन सुम आमीन आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार चटपटे से आलू पुलाव की रेसिपी जिसको बनाना बेहद आसान है और जिसको खाकर आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे और आपको खाकर मज़ा ही आ जाएगा तो आइए बिसमिल रेसिपी शुरू करते हैं इसके लिए सबसे पहले आपने पैन में हाफ़ कप ऑयल लेना है और उसमें दो दालचीनी के टुकड़े आठ से दस अदद साबुत काली मिर्ची शामिल करनी है तेज़पात शामिल करना है दो तीन अदद लौंगई शामिल करनी है और दो मिनट तक आपने मसालों को फ्राई कर लेना है इसके बाद आपने एक स्लाइस की हुई प्याज शामिल कर देनी है और प्याज को आपने इतनी देर फ्राई करना है कि ये लाइट गोल्डन सा हो जाए ये देखें प्याज हमारी लाइट गोल्डन से कलर की हो चुकी है तो इस स्टेज पर आपने एक स्लाइस किया हुआ टमाटर शामिल कर देना है यकीन जाने ये पुलाव इतना लजीज और लाजवाब होता है कि जब आप इसको खाएंगे तो आप चिकन या मटन बिरयानी को भूल जाएंगे इसके बाद साबुत मैंने मिर्चें हरी मिर्च और लाल वाली मेरे पास मिर्चें थी तीखी वाली वो शामिल कर दी दो मिनट तक आपने सारे मसालों को अच्छी तरह से कुक करना है इसके बाद आपने इसमें टू टेबल स्पून पानी शामिल कर देना है ताकि प्याज में मज़ीद कलर ना आए दो मीडियम साइज़ के मैंने आलू ले लिए थे और उनको मैंने इस तरह लंबाई के रुख में काट लिया और वो शामिल कर दिए आलू शामिल करने के बाद अब आपने पाँच मिनट तक मज़ीद इसको कुक करना है और साथ ही वन फोर्थ कप आपने पानी भी शामिल कर देना है ताकि आलू अच्छे से फ्राई हो सकें और बाकी मसाला ना जले अब बेसिक स्पाइसेस ऐड करेंगे जिसमें वन एंड हाफ़ टेबल स्पून भरकर कुटी हुई लाल मिर्च यानी कि दड़ा मिर्च शामिल करेंगे वन टेबल स्पून भरकर नमक शामिल करेंगे और दोबारा से हाई फ्लेम पे सारी चीज़ों को कुक कर लेंगे इसके बाद आपने वन टेबल स्पून भरकर साबित ज़ीरा शामिल कर देना है एक चॉप की हुई हरी मिर्च शामिल कर देनी है ज़ीरा आपने पहले शामिल नहीं करना इस स्टेज पे जब आप ज़ीरा शामिल करेंगे तो इसका टेस्ट बिल्कुल ही डिफरेंट होगा और आपको खाकर मज़ा ही आ जाएगा सारी चीज़ें अच्छी तरह से कुक हो गई और आलू भी हाफ टन फ्राई हो गए तो अब आपने इसमें पानी शामिल कर देना है यहाँ मैंने दो ग्लास भर कर पानी शामिल किए हैं और एक ग्लास मेरे पास भीगे हुए कच्ची बासपती के चावल थे वीडियो को एंड तक देखिएगा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें जब पानी में बॉईल आ गया तो मैंने कच्ची बासमती चावल यानी कि एक गिलास मैंने कच्ची बासपति चावल लिया था वो शामिल कर दिया साथ ही हाफ टी स्पून मैंने नमक और शामिल कर दिया और आपने फ्लेम को हाई रखना है इसके बाद इसके टेस्ट को और इन्हैंस करने के लिए मज़ेदार बनाने के लिए आपने वन टी इसमें चाइनीज़ नमक शामिल करना है आप अवॉइड करना चाहें तो कर सकते हैं बाद जैसे ही पानी ऑलमोस्ट ड्राई हुआ मैंने इसको 20 मिनट के लिए दम दे दिया दम देने के बाद अब यहाँ पर मैंने जब ढक्कन हटाया और चेक किया तो मुझे चावलों में थोड़ी सी कसर फील हुई तो मैंने मज़ीद पाँच मिनट के लिए इसको कवर कर दिया और ये देखें माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत ही मज़ेदार सा चटपटा खिला खिला आलू का पुलाव बनकर रेडी है